हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आई क्यू। सो कल की छुट्टी के बाद, कल के अवकाश के बाद आप आज दोबारा पढ़ाई के मूड में आ गए होंगे। क्रिसमस पे आपने एंजॉय किया होगा, ऐसी मैं कामना करता हूँ। क्रिसमस से नए साल के बीच का जो समय है, काफ़ी ज़्यादा ठंड रहती है, और कश्मीर में तो अगले 40 दिन बहुत ठंड रहेगी। वहाँ पर चिल्लई कलां नाम का सीज़न स्टार्ट हो गया है, जिसमें बहुत ज़्यादा ठंड रहती है। तो इतनी ठंड है, इसमें आपको अपने आप की रक्षा करनी है। पिछले साल मुझे याद है, मेरा गला ख़राब हो गया था सर्दियों में, और 40 दिन लगे थे ठीक होने में। आपको याद होगा 20 जनवरी को ख़राब हुआ था, और 3 मार्च तक मैं काम से बाहर था। तो आपको अपना ख्याल रखना होगा इतनी सर्दी में। इसी विचार के साथ मैं आगे बढ़ता हूँ, और आज मैं पूरा पेपर डिस्कस करूँगा बिहार का। तो बिहार में सब इंस्पेक्टर का पेपर हुआ था अभी 3 दिन पहले, शायद 22 तारीख को हुआ था, और 32 क्वेश्चन कवर करूंगा। जो जो लोकल क्वेश्चन थे वो मैंने छोड़ दिए हैं, जो बिहार से रिलेटेड थे वो मैंने छोड़ दिए हैं, और स्टैटिक जीके वाले मैंने छोड़ दिए हैं। बाकी मैं सारे कवर करूंगा। करंट अफेयर, 32 करंट अफेयर आए थे, और काफ़ी हाई क्वालिटी, अच्छे क्वेश्चन थे, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे। तो चलिए पूरा पेपर देखते हैं। पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ दूं, क्योंकि मैं इसको क्विज के रूप में बना रहा हूं, पहले आप खुद अभ्यास करेंगे। जो बिहार से हैं उन्होंने तो ऑलरेडी इस पेपर का अभ्यास कर लिया होगा, लेकिन जो बाकी लोग हैं तुरंत पेपर पेन लेकर बैठिए, और जैसे जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ूँ फटाफट, जल्दी जल्दी पढ़ूंगा क्योंकि हिंदी में लिखा हुआ है, तो अनुवाद करने की आवश्यकता नहीं है। बस क्वेश्चन पढ़ूंगा, आपको आंसर लिखना है, और फिर मैं आपको आंसर बताऊंगा। सबसे पहला सवाल है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया गया? हर साल इसी दिन मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। पाकिस्तान की प्रथम हिंदू महिला न्यायाधीश कौन है? प्रथम हिंदू महिला न्यायाधीश। कौन सा मोबाइल ऐप है जो CBSE के द्वारा लॉन्च किया गया है, जिससे विद्यार्थियों और अभिभावकों को सभी जानकारियों से अवगत तुरंत त्वरित कराया जा सकता है? के वेणुगोपाल भारत में किस महत्वपूर्ण पद पर पदासीन है? निम्नलिखित में से कौन सा देश है जिससे भारत ये पंडुपी खरीद रहा है, आक्रामक पंडुपी, चक्र तृतीय नाम की? ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता था नोवाक जोकोविच ने पुरुष एकल का खिताब, ये कौन से देश के खिलाड़ी हैं? इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ये लेफ्ट साइड में दिया है प्रोजेक्ट, यानी जो भी बांध है, जो भी प्रोजेक्ट है, और राइट साइड में दिया है राज्य। कोयना परियोजना है महाराष्ट्र में, श्रावती परियोजना है कर्नाटक में, बाली मेला परियोजना है ओडिशा में, और शबरीगिरी परियोजना है गुजरात में। जब हमने चंद्रयान द्वितीय लॉन्च किया था, उस वक्त इसरो के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष कौन थे? कौन से राज्य की प्रसिद्ध मिठाई है शिरुविलुपत्तूर पलकोवा, इसको भौगोलिक संकेतक का दर्जा मिला है, शिरुविलुपत्तूर पलकोवा? कौन से देश ने अपनी नई राजधानी बना ली है जिसका नाम है नूर सुल्तान? 2018 के कॉमनवेल्थ खेल यानी राष्ट्रमंडल खेल कहां पे हुए थे, किस देश में इसका आयोजन किया गया था? इनमें से कौन सा नृत्य है, कौन सा डांस है जो केरल का नहीं है, भारतनाट्यम, कथकली, मोहिनीअट्टम या कुड़ियाट्टम? इनमें से गवर्नर जो राज्यपाल हैं उनका कौन सा युगम सही सुमेलित नहीं है? कलराज मिश्र हैं राज्यपाल राजस्थान के, आरिफ मोहम्मद खान हैं महाराष्ट्र के, भगत सिंह कोश्यारी हैं केरल के, और टी सुंदर राजन हैं तेलंगाना के। कौन सा सही मैच नहीं है? किसने किताब लिखी है जिसका नाम है हिट रिफ्रेश? किसने लिखी है? 2024 के ओलंपिक खेल कहां होंगे? कौन से देश में आपको ये पहाड़ मिलेंगे जिनका नाम है जगरोस? अभी अभी यूनेस्को के द्वारा एशिया प्रशांत पुरस्कार भारत में किसको मिले? विक्रम साराभाई पुस्तकालय, आवर लेडी ऑफ ग्लोरी चर्च, फ्लोरा फाउंटेन या छत्रपति शिवाजी टर्मिनस? इनमें से किसे मिले? गांधी सोलर पार्क जिसकी क्षमता है 50 किलोवाट, इसका उद्घाटन कहां पर किया गया? तो आप देख सकते हैं गांधी सोलर पार्क तो हर एग्जाम में आ रहा है। अर्जुन पुरस्कार विजेता एस भास्करण कौन सा खेल खेलते हैं, कौन से खेल से संबंधित हैं एस भास्करण? भारत के प्रथम लोकपाल कौन बने? भारत की ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में क्या स्थान है भारत का? यह इंडेक्स यह दिखाता है कि कौन सा देश परंपरागत ऊर्जा के तरीकों से गैर परंपरागत ऊर्जा के तरीके बना रहा है। ग्रेट बैरियर रीफ ये ऑस्ट्रेलिया के कौन से तट के साथ साथ चलती है? ग्रेट बैरियर रीफ, यहां पे ये युगम दिया है, आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। कोरबा ऊर्जा ताप संयंत्र उत्तर प्रदेश में है,
रामागुंडम तमिलनाडु में है, तलचर आंध्र प्रदेश में है और कवस गुजरात में है। कौन सा सही सुमेलित है और कौन सा नहीं है? जलेपला दर्रा कहां पे है? जलेपला दर्रा। राष्ट्रीय खेल दिवस जो मनाते हैं हम, इस दिन अर्जुन पुरस्कार दिए गए, इनमें से किस खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार मिला? रविंदर जडेजा, प्रमोद भगत, स्वप्ना बर्मन, गौरव सिंह गिल। इनमें से जो नाग हमारी टैंक को ध्वस्त करने की मिसाइल है, इसको अगर हम हेलीकॉप्टर से छोड़ेंगे तो इसका नाम क्या है? ये जो मैंग्रोव के स्थल हैं, मैंग्रोव आप जानते हैं पौधे होते हैं जो नमकीन पानी में भी अपना सर्वाइवल कर सकते हैं, नमकीन पानी में भी ग्रो कर सकते हैं। मैंग्रोव के पौधे जनरली वहां मिलते हैं जहां पे डेल्टा एरिया होता है, नदी समुद्र से मिलती है, उस एरिया में मिलते हैं, कीचड़ वाले एरिया में मिलते हैं, वेटलैंड आर्द्र भूमि में मिलते हैं जैसे सुंदरबन इत्यादि। तो मैंग्रोव भारत में कौन से हैं जो हमारे पूर्वी तट पर हैं? इनमें से भीतरकनिका, पिचावरम, कुंदापुरा। नमस्ते शालोम ये पत्रिका आती है, कौन से दो देश मिलकर निकालते हैं इसे, नमस्ते शालोम पत्रिका को? ONGC जो महारत्न कंपनी है ONGC, ये टूलिप गार्डन बना रही है, कहां पे बना रही है? कौन सी बहुव्यापी बहुराष्ट्रीय कंपनी ने #PowerOf18 कैंपेन को लॉन्च करा? #PowerOf18। ओलंपिक विंटर खेल जो शीत ओलंपिक होंगे 2022 में कहां पे होंगे? उनका शुभंकर पूछा है, शुभंकर क्या होगा? प्रथम लॉ एशिया मानवाधिकार सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया? लॉ एशिया मानवाधिकार सम्मेलन कहां हुआ? मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान भारत में कहां मिलेगा? नागार्जुन सागर परियोजना कौन सी नदी पे है? सो ये है हमारे आज के सारे सवाल बिहार के पेपर के, और अब एक एक करके समझा के आपको आंसर बताऊंगा जिससे आप बिल्कुल ना भूलें। वैसे तो एक भी सवाल मुझे ऐसा नहीं लगा, सच बताऊं, जो टफ लगा। एक अगर कोई होगा तो मैं आपको बता दूंगा, पहले मैं आपको आंसर बताता हूं। देखिए, राष्ट्रीय मतदाता दिवस गणतंत्र दिवस के एक दिन पहले आता है, 25 जनवरी को हर साल, और पहली बार मनाया गया था 2011 में। तो इनफैक्ट कई एग्जाम में तो ये भी पूछते हैं कि कौन सा मतदाता दिवस था ये, तो आप उसी हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हो। 2011 में पहला था, 2012 में दूसरा था, तो उसी हिसाब से 2019 में कौन सा था? 9वां। उसके बाद पूछा था पाकिस्तान में पहली हिंदू महिला जज, ये हैं सुमन कुमारी। और बाकी तो ऑप्शन इतने ज़्यादा वैसे हैं, अरुणिमा सिन्हा आप जानते हैं कौन है, वॉलीबॉल की खिलाड़ी थी, फिर इनका पैर काटना पड़ा, फिर इन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करी, इन्होंने किताब लिखी बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन। रोमा तो पता नहीं कौन है, अनुज चौधरी भी मैंने कभी नाम नहीं सुना है। कोई भी अगर महिला चर्चा में आती है तो कम से कम एक बार आंख या कान जब उसको नाम देखते हैं सुनते हैं तो पता चल जाता है ये रोमा वगैरह, ये कोई कुछ नहीं है, ये ऐसे नाम बनाए हुए हैं इन्होंने, अटपटे से नाम बनाए हुए हैं, और कई जगह स्पेलिंग मिस्टेक भी हैं, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कहाँ पे। कौन सा मोबाइल ऐप है जो CBSE ने लॉन्च करा है? ये है शिक्षावाणी। और CBSE ने एक मोबाइल ऐप तो नहीं कहूँगा, पोर्टल कहूँगा, जो लॉन्च कराया है अभी, जिसका नाम है शगुन। शगुन पोर्टल पे ये है, भारत के सारे स्कूल जोड़ दिए गए हैं, अगर CBSE को कोई भी इन्फॉर्मेशन देनी है तो तुरंत त्वरित एकदम वो दे सकती है। के वेणुगोपाल भारत के अटॉर्नी जनरल। चक्र, हम जो पंडुपी खरीद रहे हैं, चक्र तृतीय, ये खरीद रहे हैं रूस से, हमारा परम मित्र रूस। और नोवाक जोकोविच कौन से देश के हैं? यहाँ पे नोवाक की और जोकोविच की दोनों की स्पेलिंग गलत है, इसमें W नहीं आता, इसमें V आता है, ठीक है? तो नोवाक जोकोविच है सर्बिया के खिलाड़ी हैं, सर्बिया की राजधानी है बेलग्रेड। इनमें से कौन सा सही मैच नहीं किया हुआ? कोयना परियोजना महाराष्ट्र में है, ये तो बिल्कुल ठीक है। श्रावती परियोजना कर्नाटक में है, ये भी ठीक है। इनफैक्ट श्रावती नदी पे ही तो जोग फॉल है, सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग फॉल इसी नदी पे है, और इसको बोलते हैं गैरसोप्पा फॉल। जोग फॉल को ही बोलते हैं गैरसोप्पा फॉल। बाली मेला परियोजना ओडिशा में है, ये ठीक है। ये भी शबरीगिरी प्रोजेक्ट गुजरात, नहीं शबरीगिरी है केरल में, पंबा नदी पे है। और वैसे भी देख लो, शबरीमाला जो मंदिर है जहाँ पे काफ़ी महिलाओं की एंट्री को लेके वो हुआ था विवाद, थोड़ा बहुत आप गैस वर्क भी कर सकते हो इस तरह के सवालों में। सुमेलित वाले सवाल मुझे सबसे आसान लगते हैं क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ फिट बैठ ही जाता है। इसरो के चेयरमैन कौन थे जब चंद्रयान 2 गया था?
K7, इसरो का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। श्री विलुपत्तूर पलकोवा मिठाई जो है ये दूध से बनती है, इसमें दूध का पहले दही बनाते हैं, दही को मीठा करते हैं, कुछ कुछ श्रीखंड जैसी मिठाई होती है ये। तो श्री विलुपत्तूर पलकोवा जो है ये तमिलनाडु की मिठाई है, विरुधु नगर में ये मंदिर है श्री विलुपत्तूर, ये विरुधु नगर में है। इसके अलावा बिहार की एक मिठाई को भी मिला था, सिलाओ खाजा मिठाई, इसको भगवान बुद्ध ने भी चखा था एक बार। नूर सुल्तान ये है कजाकिस्तान की राजधानी, और कजाकिस्तान की पहले थी अस्ताना, इस देश की मुद्रा है टेंज, इसको ऐसे याद रख लो, ये देश अपनी राजधानियां बार बार बदल रहा है, पहले थी अस्ताना, इनफैक्ट बहुत कम लोग ये जानते हैं, पहले अस्ताना भी नहीं थी, अस्ताना से पहले थी अल्माटी, सुना ये शहर आपने अल्माटी, तो कजाकिस्तान की राजधानी पहले अल्माटी होती थी एक समय में, फिर अस्ताना बनी थी और अब नूर सुल्तान। तो जो इतनी राजधानियां बदलता रहता है आप उससे क्या हो जाओगे, तंग, तो इसकी मुद्रा है तंग, TENGE, वैसे बोलते हैं टैंग पर आपका काम चल जाएगा। और कजाकिस्तान के साथ हमने युद्ध अभ्यास किया था अभी अभी, जिसका नाम है कैज इंड, ये किया था पिथौरागढ़ उत्तराखंड में। 2018 के कॉमनवेल्थ खेल राष्ट्रमंडल खेल कहां हुए थे, गोल्ड कोस्ट क्वींसलैंड में हुए थे, जो कि ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया। और एशियाई खेल भी तो हुए थे 2018 में, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता और पलमबंग दो जगह पे हुए थे, जकार्ता और पलमबंग। अब जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी नहीं है, वो एक अलग बात है, अब है ईस्ट कालीमंतन जो बोर्नियो द्वीप पे। फिर पूछा था केरल का कौन सा नृत्य नहीं है, भारतनाट्यम नहीं है, भारतनाट्यम है तमिलनाडु का, और बाकी तीनों केरल के हैं। फिर गवर्नर पे आ जाते हैं, देखो यहां पे कितनी बड़ी गलती करी है, आप इस क्वेश्चन को चैलेंज भी कर सकते हो। कलराज मिश्रा राजस्थान के हैं, ये बिल्कुल ठीक है। आरिफ मोहम्मद खान महाराष्ट्र के हैं, बिल्कुल गलत है, आरिफ मोहम्मद खान केरल के हैं, तो दो तो गलत हो ही गया, ठीक है, दूसरा ऑप्शन गलत हो गया। भगत सिंह कोश्यारी केरल के हैं, जी नहीं, महाराष्ट्र के हैं, तो तीसरा भी गलत हो गया। अब देखो यहां पे लिखा है टी सुंदर राजन नहीं है, तमिली साई सौंदर्य राजन है, तो नाम गलत दिया हुआ है तेलंगाना का, लेकिन थोड़ा बहुत आप देख सकते हो, ये आप गैस कर सकते हो कि हाँ नाम गलत दे दिया होगा, क्योंकि ऑप्शन में दिखा है दो गलत हो सकते हैं मैक्सिमम, तो सेकेंड और थर्ड गलत है, तो इसका आंसर हो गया बी। हिट रिफ्रेश किताब किसने लिखी है, हिट रिफ्रेश को लिखा है सत्य नडेला ने, जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सीईओ हैं। दो तीन भारत के सीईओ और याद रख लो, अजय बांगा है मास्टर कार्ड के, फिर सुंदर पिचाई है अल्फाबेट के, और शांतनु नारायण है एडोबे के, तो ये भी आप याद रख सकते हो। 2024 के ओलंपिक खेल होंगे पेरिस में, 2028 के होंगे लॉस एंजलिस में, तो फ्रांस में होंगे, फ्रांस की राजधानी पेरिस में होंगे 2024 के। जगरोस के पहाड़ हैं ईरान में, ईरान, और आपको बता दूं जगरोस के पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी को बोलते हैं माउंट डैना, DENA, डैना सबसे ऊंची चोटी है जगरोस के पहाड़ों की। यूनेस्को के द्वारा अवार्ड मिले हैं चार जगह को, विक्रम साराभाई लाइब्रेरी, हाँ मिला है, अहमदाबाद में है, भारतीय प्रबंधन संस्थान आई एम अहमदाबाद की लाइब्रेरी है ये। आवर लेडी ऑफ ग्लोरी चर्च मिला है, फ्लोरा फाउंटेन मिला है, और देखो जो यहूदी होते हैं जू, वो पूजा करते हैं साइनागॉग में, जैसे सिख पूजा करते हैं गुरुद्वारे में, हिंदू पूजा करते हैं मंदिर में, उसी तरह से जू यहूदी धर्म के लोग पूजा करते हैं साइनागॉग में, तो एक मुंबई का साइनागॉग है उसे भी मिला था, वो चौथा था, लेकिन ये नहीं था छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, तो इसका आंसर हो गया सेकंड, 1, 2 एंड 3। गांधी सोलर पार्क का उद्घाटन हुआ न्यूयॉर्क में, जो हेडक्वार्टर है संयुक्त राष्ट्र का। अर्जुन पुरस्कार एस भास्करन को मिला, ये है बॉडी बिल्डर, बॉडी बिल्डिंग करते हैं ये। भारत का स्थान है एनर्जी ट्रांसलेशन इंडेक्स में 76वां, और नंबर वन कंट्री इसमें है स्वीडन। ग्रेट बैरियर रीफ ये है, ये देखो डायग्राम, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये क्वींसलैंड वाला एरिया आ गया, तो ये जो है ये पूर्वी तट है, तो आंसर है इसका ईस्ट, पूर्वी तट के पैरेलल चलती है। भारत के पहले लोकपाल कौन है, पिनाकी चंद्र घोष, पीसी घोष। ऊर्जा ताप संयंत्र का सुमेलन करना है आपको, कोरबा है छत्तीसगढ़ में, तो ये गलत है, पहला गलत है। रामागुंडम तमिलनाडु में, नहीं रामागुंडम है तेलंगाना में। तलचर है उड़ीसा में, तो ये भी गलत है। तीसरा कवस है सूरत में गुजरात, तो ये ठीक है, तो डी ठीक है इसमें, तो आंसर है इसका डी। जलेपला पास कहाँ है, देखो जलेपला पास जोड़ता है सिक्किम को तिब्बत से, तो सिक्किम में, तो आंसर है सिक्किम। नेशनल स्पोर्ट्स डे पे अर्जुन पुरस्कार किसे मिले, चारों को मिले हैं। रविंदर जडेजा को मिला है क्रिकेट के लिए, प्रमोद भगत हैं पैरा खिलाड़ी बैडमिंटन के, दिव्यांग खिलाड़ी हैं। स्वप्ना बर्मन कई बार बता चुका हूं जलपाईगुड़ी की हैं,
हेप्टाथलन की खिलाड़ी हैं, एथलीट हैं। गौरव सिंह गिल खेलते हैं मोटर स्पोर्ट्स, मोटर स्पोर्ट। हेलिना नाग, नाग मिसाइल है वैसे तो, अब अगर आप इसको कंधे पे लग के छोड़ दो तो इसे बोलेंगे मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। समझिए मैं क्या कह रहा हूँ, नाग मिसाइल है, ठीक है, या तो रॉकेट पे उस पर छोड़ दो किसी को, मिसाइल को रॉकेट पे लगा के छोड़ते हैं हम। अब अगर मान लो रॉकेट पे लगा के या किसी उस पर नहीं छोड़ना तो कंधे पे रख के छोड़ दो, उसको बोलते हैं मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, MPATGM। या फिर इसको हम हेलीकॉप्टर से छोड़ सकते हैं जिसको बोलते हैं हेलिना। और टैंक को ध्वस्त करना है अगर तो एक मिसाइल और खरीदी हमने अभी अभी इसराइल से जिसका नाम है स्पाइक LR, ये भी टैंक को मार गिराने वाली मिसाइल है। मैंग्रोव के पौधे कहां मिलेंगे? देखो ये हमारा पश्चिमी तट है, ये पूर्वी तट है। पश्चिमी तट पे ऊपर से शुरू हो जाओ, गुजरात से स्टार्ट हो जाता है, गुजरात है, फिर महाराष्ट्र है, फिर ये छोटा सा गोवा बीच में, फिर ये कर्नाटक और फिर ये केरल। इसी तरह इधर आ जाओ तो तमिलनाडु, फिर ये आंध्रा, फिर ऊपर उड़ीसा और फिर वेस्ट बंगाल में खत्म हो जाता है। अब ये भीतर कनिका कहाँ है? उड़ीसा में, भीतर कनिका, तो भीतर कनिका उड़ीसा मतलब पूर्वी तट, बिल्कुल ठीक। पिचवारम तमिलनाडु में है तो ये भी बिल्कुल ठीक। कुंदापुरा कर्नाटक में है तो ये गलत हो गया, तो 1 और 2 इसमें होगा, आंसर होगा बी, कुंदापुरा को छोड़ के दोनों बाकी ईस्टर्न कोस्ट पे हैं, पूर्वी तट पे। नमस्ते शालोम मैगजीन भारत और इसराइल में के छापते हैं, भारत और इसराइल। भारत में एक ही टूलिप गार्डन है जो एशिया का सबसे बड़ा टूलिप गार्डन है, श्रीनगर में, दूसरा बन रहा है पिथौरागढ़ में, वो है उत्तराखंड, तो आंसर है उत्तराखंड। पावर ऑफ 18 ये हैशटैग चलाया था भारत में वोट डालने के लिए। आम चुनाव थे, 18 साल की उम्र होती है भारत में जब कोई भी व्यक्ति वोट डाल सकता है, तो इसको बोलते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। तो ट्विटर ने चलाया था ये हैशटैग पावर ऑफ 18। शुभंकर शीत खेलों का है बिंग वैन वैन, और पैरा शीत खेलों का है शुए रोन रोन, तो आंसर है बिंग वैन वैन। लॉ एशिया मानवाधिकार सम्मेलन हुआ नई दिल्ली में। नागार्जुन सागर बांध कहाँ है? नागार्जुन सागर बांध है कृष्णा नदी पे आंध्र प्रदेश में, और इसी नाम का एक टाइगर रिजर्व भी है, नागार्जुन सागर श्री सैलाम टाइगर रिजर्व। मुरलैन राष्ट्रीय उद्यान है मिजोरम में। त्रिपुरा में है राजबरी, असम में तो कई सारे हैं, बहुत सारे हैं, मनास है, काजीरंगा है, ओरांग है, नामेरी है, सोनई रुपई है, दिब्रू साइखोवा है, कई सारे हैं असम में। तो नागालैंड में है इंटांकी, बस एक ही याद रखो, इंटांकी। तो यही थे बस 32 क्वेश्चन, आपके कितने ठीक हुए आप जरूर कमेंट्स में लिख के बताइए। अगर आप बिहार के हैं और मेरे वीडियोस देखते हैं तो मुझे लगता है 30 तो मेरे ख्याल से आप बहुत आसानी से कर सकते थे, इतना टफ नहीं था पेपर जितना कि LIC का सेकंड शिफ्ट का पेपर था। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि इसी लेवल के रहेंगे मोर और लेस सारे पेपर। चलिए अब आज के करंट अफेयर फटाफट देख लेते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने NPR के लिए स्वीकृति दे दी है, ठीक है, NPR करवाएंगे हम। ये NPR का पूरा मतलब क्या है, पूरी फुल फॉर्म क्या है? NPR की फुल फॉर्म है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, यानी राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, और इस पे महिपाल सर ने वीडियो बनाया है, आप उसका डिटेल में देखना पूरा, बहुत अच्छा वीडियो है वो। और ये अप्रैल 2020 से शुरू होगा और सितंबर 2020 तक चलेगा, अप्रैल से शुरू होगा सितंबर तक चलेगा, तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त और सितंबर 6 महीने चलेगा NPR। पिछली बार ये अपडेट कब हुआ था NPR? 2010 में अपडेट हुआ था, फिर 2015 में हुआ था और 2020 में होगा। भारत ने बायो एनर्जी सहयोग पर किस देश के साथ एक समझौता किया है? ये देश है ब्राजील, ब्राजील के साथ समझौता किया है हमने बायो एनर्जी के लिए। ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया है जहां पे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ था, और ब्राजील में पिछला ओलंपिक खेल खेले गए थे 2016 में रियो डी जनेरो शहर में। ब्राजील के लिए अब हमें वीजा नहीं चाहिए, यहां के राष्ट्रपति भारत आएंगे 26 जनवरी के दिन, जायर बोल्सोनारो। तो ये है ब्राजील, और यहां की वो भी याद रखो मुद्रा रियाल। किस राज्य में स्थित रोहतांग सुरंग का नाम बदलकर अटल सुरंग कर दिया गया है? अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे, क्योंकि उनका बर्थडे था कल, उत्तम शासन दिवस था, तो ये है हिमाचल में। जब आप मनाली से लेह जाते हैं, मनाली से लद्दाख जाते हैं, तो बीच में क्या आता है? दो आते हैं, सबसे पहले आता है रोहतांग पास, फिर आता है बारालाचला पास, दो पास आते हैं, रोहतांग पास और बारालाचला पास। तो रोहतांग सुरंग, रोहतांग काफी ठंडा इलाका है, तो रोहतांग सुरंग का नाम अब हो गया है अटल सुरंग। और हिमाचल के बारे में आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स बता देता हूं। हिमाचल प्रदेश में 3 त्यौहार मनाए गए, एक तो है श्रीखंड महादेव यात्रा, श्रीखंड महादेव यात्रा, एक है रेणुका जी त्यौहार,
रेणुका जी त्यौहार और एक है इंटरनेशनल लावी फेयर, अंतर्राष्ट्रीय लावी त्यौहार। राइजिंग हिमाचल ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ था, निवेश को अट्रैक्ट करने के लिए विदेशी जो कंपनियां हैं वो आई थी, धर्मशाला में हुआ था और इसकी ब्रांड एम्बेसडर बनी थी यामी गौतम। हिमाचल ने यह भी शुरू करी थी प्राकृतिक खेती कुशल किसान योजना, प्राकृतिक खेती कुशल किसान योजना, जिससे प्राकृतिक खेती को हर पंचायत में इंट्रोड्यूस किया जा सके। हिमाचल के अंदर पहाड़ है माउंट लियो परगिल, इसका पर्वतारोहण किया था इंडियन आर्मी ने। हिमाचल की सरकार ने यह भी डिसाइड कराया कि जो पब्लिक प्लेसेस हैं वहाँ पे जिम शुरू किए जाएंगे। हिमाचल की सरकार ने डिसाइड कराया वो यमुना नदी का पानी बेचेंगे, यमुना नदी का पानी बेचा जाएगा और हिमाचल में बकलो नाम की जगह पे भारत और मंगोलिया के बीच युद्ध अभ्यास होता है नोमैडिक एलिफेंट, वो भी आयोजित किया गया। तो ये हिमाचल के बारे में है। बाकी यहाँ पे वही सब है जैसे हिम तेंदुआ, स्नो लेपर्ड यहाँ का स्टेट एनिमल है, पिन वैली नेशनल पार्क है और ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क वगैरह वो सब हैं, तो वो तो यूजुअल जो चीज़ें हैं वो चलती रहती हैं। दिल्ली सरकार की इलेक्ट्रिक वाहन नीति का लक्ष्य 2024 तक पंजीकृत होने वाली वाहनों का कितना प्रतिशत इलेक्ट्रिक वाहन है। दिल्ली सरकार ने यह कहा है कि दिल्ली में 2024 तक जितनी भी गाड़ियां चलेंगी एक चौथाई बिजली से चलने वाली होनी चाहिए। ये दिल्ली सरकार ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। दिल्ली के राज्यपाल हैं अनिल बैजल, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और हिमाचल के राज्यपाल हैं बंदारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया गया? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस हर साल होता है 24 दिसंबर को। क्यों होता है? क्योंकि जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, ठीक है ना, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, वो इसी दिन पारित किया गया था, इसी दिन अधिनियम बना था। इसीलिए हमारे मंत्री कौन है उसके, कंज्यूमर अफेयर के, रामविलास पासवान। इनकी पार्टी है लोक जनशक्ति पार्टी और लोक जनशक्ति पार्टी के नए अध्यक्ष बने हैं इनके बेटे चिराग पासवान। नेशनल स्ट्रीट फूड फेस्टिवल का 11वां संस्करण किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? नेशनल स्ट्रीट फूड फेस्टिवल हो रहा है नई दिल्ली में, नई दिल्ली में। और इसका थीम क्या है? इसका थीम है हेल्दियर डाइट, यानी स्वस्थ भोजन। क्योंकि जो स्ट्रीट फूड होता है, जो आप रेडी वगैरह पे खाते हो, जैसे गोलगप्पे हैं या बर्गर हैं, ये सब चीजें उतनी स्वस्थ नहीं होती, इसलिए इसका विषय रखा गया है हेल्दियर डाइट। हाल ही में किसे सर्वत्र कवच विकसित करने के लिए मिला है डिजाइन ब्यूरो, सेना का डिजाइन ब्यूरो के द्वारा उत्कृष्टता पुरस्कार? सर्वत्र कवच इन्होंने बनाया है, इनका नाम है मेजर अनूप मिश्रा। और सर्वत्र कवच है क्या? ये बुलेट प्रूफ जैकेट है, बुलेट प्रूफ जैकेट है। और आपको बता दूं, एक बुलेट प्रूफ जैकेट हमने खुद भी बनाई थी भारत ने, भाभा कवच। इसका नाम डॉक्टर होमी भाभा के नाम पर रखा गया है, महान वैज्ञानिक। और भाभा कवच किसने बनाया है? आयुध निर्माण बोर्ड ने बनाया है, किसके साथ मिलकर? एक कंपनी है मिधानी, मिश्रित धातु निगम, उसके साथ मिलकर। और आयुध निर्माण जो बोर्ड है उसके नए अध्यक्ष बने हैं हरिमोहन, हरिमोहन। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय द्वारा किस शहर में एक अत्याधुनिक डीएनए विश्लेषण केंद्र का उद्घाटन किया गया है? डीएनए विश्लेषण केंद्र बना है चंडीगढ़ में, हरियाणा पंजाब की राजधानी। यहां पे आपको मिलेगी सुखना झील। चंडीगढ़ से सांसद है किरण खेर, इनके पति हैं अनुपम खेर। अनुपम खेर की जीवनी का नाम है लेसन्स लाइफ टॉट मी अननोइंगली। और चंडीगढ़ हाईकोर्ट जो है, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट है, चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने पहला वर्चुअल कोर्ट भारत का शुरू करा फरीदाबाद में, फरीदाबाद में। मत्स्य पालन एवं जलीय कृषि अवसंरचना विकास कोष पर अमल के लिए भारत सरकार के मत्स्य पालन विभाग यानी फिशरीज, नाबार्ड बैंक और किस राज्य की सरकार ने आपस में समझौता किया है? मत्स्य पालन का योगदान हमारे जीडीपी में है 1% और तमिलनाडु में 10 लाख लोग हैं जो मछुआरे हैं, जिन पे बहुत ज़्यादा जो मछली पालन पर निर्भर करते हैं। हमारे मत्स्य पालन पशु विभाग, इनके लिए मंत्री हैं गिरिराज सिंह, इनकी लोकसभा चुनाव क्षेत्र है बेगूसराय बिहार, तो आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु ने समझौता कराया नाबार्ड के साथ और मत्स्य विभाग के साथ। आपको बता दूं, नाबार्ड बैंक के चेयरमैन हर्ष कुमार भानवाला, अगले 6 महीने के लिए इनको टेन्योर एक्सटेंड कर दिया गया है, तो ये चेयरमैन बने रहेंगे। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने जो खिलौने खरीदे दूसरे देशों से, उसमें कितने प्रतिशत परीक्षण में असफल रहे, यानी क्वालिटी टेस्ट को पास नहीं कर पाए, क्वालिटी उनकी बहुत बेकार थी जो विदेशी खिलौने भारत ने खरीदे? तो यह किया गया था रिसर्च अभी अभी दिल्ली में। तो यहां पे देखा गया कि भारत ने अपने 85% खिलौने खरीदे हैं चाइना से, 85%, और टोटल भारत ने जितने भी खिलौने खरीदे हैं विदेश से, उसके 67% फेल हो गए हैं क्वालिटी टेस्ट में, 66.9%, यानी ऑलमोस्ट
67% खिलौने क्वालिटी टेस्ट में फेल कर गए हैं दिल्ली में। हाल ही में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने अपनी टेस्ट टीम ऑफ द डेकेड का कप्तान किसे चुना? क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड है ऑस्ट्रेलिया का, उन्होंने क्या करा, पिछले 10 सालों की टीम बनाई सबसे अच्छे खिलाड़ियों की, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के नहीं पूरी दुनिया के, पिछले 10 सालों की टेस्ट टीम बनाई और वनडे टीम बनाई। तो टेस्ट टीम का कैप्टन चुना है विराट कोहली को, वनडे टीम का कैप्टन चुना है महेंद्र सिंह धोनी को। पिछले 10 सालों की सर्वश्रेष्ठ टीम का कप्तान वनडे में महेंद्र सिंह धोनी और टेस्ट में विराट कोहली। 63वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप जो भोपाल में हुई, भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी, जहां पे पहला ई अपशिष्ट क्लिनिक खोला गया है भारत का, तो 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक किसने जीता? पुरुषों और महिलाओं की अलग अलग बात करें, पुरुषों में जीता अनीश भानवाला और महिलाओं में जीता मन्नू भाकर। वैसे मन्नू भाकर सिर्फ 17 साल की हैं, हरियाणा से हैं, याद रखिए। कमेंट्स में लिख के बताइए अनीश भानवाला कहां से हैं, अनीश भानवाला भारत के किस राज्य से हैं। हाइपरसोनिक हथियारों वाला विश्व का एकमात्र देश कौन सा है जिसके पास हाइपरसोनिक हथियार है? हाइपरसोनिक हथियार एकमात्र देश है रूस, ये खुद कहा है व्लादिमीर पुतिन ने अभी अभी। और रूस में जो पहाड़ है उन्हें बोलते हैं उराल के पहाड़, उरल माउंटेन, और रूस की राजधानी मॉस्को है, मुद्रा है रूबल, रूबल। भारत और रूस युद्ध अभ्यास करते हैं इंद्र, इंद्र युद्ध अभ्यास। केंद्र सरकार किस वर्ष तक डिजिटल रेडियो को लॉन्च करने की योजना बना रही है? इन्होंने डेडलाइन रखी है 2024। हमारे सूचना प्रसारण मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर। और हमारे सूचना प्रसारण सचिव कौन बने हैं? नए रवि मित्तल। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर प्रधानमंत्री मोदी ने किस शहर में उनकी प्रतिमा का अनावरण किया? यह शहर है लखनऊ। लखनऊ में होगा डिफेंस एक्सपो अगले साल, और लखनऊ का स्कूल है सिटी मॉन्टेसरी, जिसने रिकॉर्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया सबसे ज्यादा बच्चे पढ़ाने का। और लखनऊ का हजरतगंज चौराहा, उसका नाम पलट के अटल चौक रख दिया गया था। तो ये सब याद रखिए, यहीं पे मूर्ति बनी है अटल बिहारी वाजपेयी जी की। 17वां भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा? भारत और यूरोपीय संघ के बीच शिखर सम्मेलन होगा बेल्जियम में। बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल, ब्रुसेल मुख्यालय है नेटो का और यूरोपियन यूनियन का। यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट बनी है उर्सुला वॉन डेर लेन। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2017 में 15 से 39 वर्ष की आयु के पुरुषों की मौत का मुख्य कारण कौन सा था? 15 से 39 वर्षीय आयु में मुख्य कारण है सड़क दुर्घटनाएं। और आपको हैरानी होगी जान के, सिर्फ एक साल के अंदर 15 साल से लेके 39 साल के बीच, यानी जो युवा कह सकते हैं हम, इस उम्र के कितने लोग मारे गए सिर्फ एक साल में भारत में सड़क दुर्घटनाओं में? 2,19,000 लोग भारत में सिर्फ एक साल में मारे गए सड़क दुर्घटनाओं में। तो इससे पता चलता है कि जब हम कहते हैं कि हेलमेट का उपयोग करो, सीट बेल्ट का उपयोग करो, ये सब ऐसे ही नहीं बोलते। आप देख सकते हैं आपके सामने आंकड़ा, किसी भी बीमारी से कहीं ज्यादा लोग सड़क दुर्घटनाओं में भारत में मरते हैं। किस कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डेनिस मुहिलबेनबर्ग ने इस्तीफा दे दिया है? डेनिल मुहिलबेनबर्ग जो थे ये बोइंग कंपनी के सीईओ थे। अच्छा, नया कौन बनेगा सीईओ? ये ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। नए बनेंगे डेविड कलहून। चलो कमेंट्स में लिख के बताओ विपिन सौंधी ये कौन सी कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक बने अभी अभी, कमेंट्स में लिख के बताओ। 5वां चक्रवात आया अरब सागर में, क्या नाम है इसका? 5वां चक्रवात जो अरब सागर में आया इसका नाम है पवन। और इससे पहले 4 कौन से आए? सबसे पहले आया था चक्रवात वायु, फिर आया था चक्रवात हिक्का। चक्रवात वायु आया था जून में, चक्रवात हिक्का आया था सितंबर में, फिर आया था चक्रवात क्यार, और फिर आया था एक और था महा। ये 4 आ चुके हैं, वायु, हिक्का, क्यार और महा। अब 5वां आया पवन, अरब सागर में आए सारे के सारे। एक और तूफान आया अभी भी, चक्रवात आया जिसका नाम है फन फोन, इसको स्थानीय भाषा में बोलते हैं उर्सुला। ये कहां आया? ये आया है फिलीपींस में। फिलीपींस के राष्ट्रपति हैं रोड्रिगो दुतर्ते। फिलीपींस की राजधानी क्या है? यहां की राजधानी है मनीला, जहां पे एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय है, और एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष हैं
मसात्सुगु आसाकावा। सो ये था हमारा 26 दिसंबर का वीडियो, हाजिर होगा फिर से 27 दिसंबर के वीडियो में। कल से मैंने आपकी स्टैटिक जीके का वीडियो भी डाला था आपके लिए, अगर आपको अच्छा लगा तो और भी बनाऊंगा, जैसे जैसे टाइम मिला जरूर बनाऊंगा। मेरा टारगेट ये है कि एसएससी सीजीएल की परीक्षा शायद मार्च में है, उससे पहले 50 सेट आपके लिए बना दूं, तो जितना अभ्यास हम कर सकें, क्योंकि स्टैटिक में तो देखो एक अनलिमिटेड है, जितना अभ्यास करो उतना कम है। करंट में तो मैं कह सकता हूँ वीडियो से बाहर कुछ नहीं आएगा, स्टैटिक में नहीं कह सकता, तो स्टैटिक में लेकिन फिर भी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए ज़रूर मैं क्वेश्चंस लेकर आऊँगा। आपने देखा बिहार का जो एग्ज़ाम हुआ था सब इंस्पेक्टर का, उसमें भी कितने सारे स्टैटिक क्वेश्चन आए थे, चाहे वो जलप्रपात हो, चाहे वो थर्मल पावर प्लांट हो, ऊर्जा ताप संयंत्र हो, बांध हो, तो इन सब का अभ्यास मैं ज़रूर कराऊँगा। तो मिलते हैं फिर 27 दिसंबर के वीडियो में।